हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैश किचन। आज मैं आपके लिए उत्तराखंड की एक और फेमस रेसिपी लेकर आई हूँ, जो है भटकी चुड़कानी। ये भटकी दाल से बनाई जाती है, जिसे ब्लैक सोयाबीन भी कहते हैं। ये रेसिपी कुमाऊं रीजन में ज़्यादा बनाई जाती है। इस दाल में बहुत ही मात्रा में प्रोटीन और फाइबर होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आधा कप भटकी दाल ले लें। इसे अच्छे से धोकर अच्छे से कपड़े से पोंछ लें। ये एकदम सूखी होनी चाहिए। अब एक ओखली या फिर सिलबट्टा ले लें। इसमें एक टीस्पून साबुत धनिया के बीज डालें, 10 से 12 लहसुन की कलियां डालें, 2 हरी मिर्च डालकर अच्छे से क्रश कर लें। इसे दरदरा ही पीसना है। अब इसे एक कटोरी में निकाल लें। बचे हुए मसाले में थोड़ा सा पानी डाल दें। इसे भी कटोरी में निकाल लें। अब इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। इस तरह से मसाले को पीसकर पानी में भिगो कर रखने से मसाले अच्छे से फूल जाते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। अब इसे साइड में रख लें। अब एक लोहे की कढ़ाई में 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डालकर इसे लो फ्लेम पर गर्म करने रख दें। आप चाहें तो इसकी जगह देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें भटकी दाल डाल दें और इसे 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भून लें। इसे भूनते वक्त इसमें से क्रैकलिंग की आवाजें आने लग जाएंगी, इसका मतलब हमारी दाल अच्छे से भून गई है। अब इसमें 2 टेबलस्पून गेहूं का आटा डालें और इसे 2 मिनट तक अच्छे से अरोमा आने तक भूनते रहें। ये देखिए, आप अच्छे से भून चुकी है। गैस का फ्लेम बंद कर दें और इस दाल को प्लेट में निकाल कर एक साइड में रख दें। अब वापस से 2 टेबलस्पून सरसों का तेल कढ़ाई में गरम करें और गैस का फ्लेम लो ही रखें। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें 1/2 टीस्पून जीरा, 1 चुटकी भर हींग और 1 फाइनली चॉप किया हुआ प्याज डालें। प्याज को तब तक भूनें जब तक कि वो लाइट गोल्डन कलर का हो जाए। अब इसमें पिसा हुआ मसाला डालें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए, अच्छे से भून चुका है और खुशबू भी बहुत अच्छी आने लग गई है। अब इसमें भुनी हुई दाल डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें 1 लीटर गर्म पानी धीरे धीरे करके डालें और इसे लगातार मिक्स करते रहें, जिससे कि कोई लंप फॉर्म ना हो जाए। अब इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। जब ये बॉईल होना शुरू हो जाए तो इसमें एक ढक्कन लगा दें। अब इसे 30 से 35 मिनट तक पकने दें। 30 से 35 मिनट बाद कढ़ाई का ढक्कन हटाएं और इसे वापस से अच्छे से मिक्स कर लें और गैस का फ्लेम भी बंद कर दें।
कटी हुई धनिया पत्ती से गार्निश करें। लीजिए, भट की चुड़कानी तैयार है। इसे गर्मा गर्म चावल या फिर रोटी के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।